पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ, बानी पीटीआई का सिपाही था और रहूंगा, अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सका करूंगा। शेर अफजल मरवत कहते हैं, कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया, गलत फहमियां पैदा की गई, कोशिश करूंगा लीडर से मिलकर अपना मौकिफ उनके सामने पेश करूं, उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करूंगा, अगर वो मुतमईन ना हुए तो सीट उनकी अमानत है, उसी वक्त वापस लौटा लूंगा। शेर अफजल की पार्टी रुकनियत मनसूखी का इल्म नहीं, नोटिफिकेशन वापस कराऊंगा। बैरिस्टर गुहर कहते हैं, नहीं मालूम इस वक्त कौन कौन हिदायत जारी कर रहा है और कौन फैसले ले रहा है, मेरे इल्म में ये बात नहीं लाई गई कि बानी पीटीआई ने इस किस्म की कोई हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा है कि शेर अफजल मरवत की रुकनियत कैसे खत्म कर दी गई जब किसी कमेटी ने उनको बुलाया तक नहीं। शेर अफजल मरवत हमारी पार्टी के रुकन हैं और बानी पीटीआई के वफादार हैं।